हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपेश दीवान एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी में, आपको दिखा देता हूँ अपनी गाड़ी। लास्ट वीडियो में आपने मेरी कार इतनी अच्छे से नहीं देखी, तो आज मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी कार। तो गाइज, ये मेरी कार फोर्ड की फ्री स्टाइल टाइटेनियम डीजल मॉडल है, 300 cc का इसका इंजन है। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, गाड़ी का एसी ऑन करते हैं। भाई गर्मी के कारण हालत खराब हो रही है, बहुत गंदी वाली। ओ मेरे कान ही बंद हो जाएंगे ऐसे करके, एसी के बहुत जोर से साउंड आए। तो ऐसे तो बैंड बजी पड़ी है गाड़ी की। भाई तो गाइस, जैसे आप देख रहे हो कि गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है, तो सबसे पहले तो इसको हम वॉश कराने जा रहे हैं। वॉश कराते हैं इसको, नोना बाबू बनाते हैं एकदम बढ़िया वाली। चलते हैं पहले इसको वॉश कराने फटाफट से। गाड़ी को चढ़ा देते हैं रैंप पे। अरे भाई इंस्ट्रक्शन तो दे दे, कहीं इधर उधर मैंने कुदा दी तो मेरी गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। ऐसे रैंप बंद होगी। तो गाइस गाड़ी रैंप पे चढ़ा दी है, बस अब इसकी धुलने की वेट है। वीडियो बना रहा हूँ, आदत खराब होगी वीडियो बनाने के। अपना सामान निकाल लेते हैं। गाड़ी तो खाली कर दी हमने। तो गाइस गाड़ी नहाने आ चुकी है। इसी बात पे एक बात याद आती है, आज गर्मी बहुत है, मेरी बाबू नहाने आई है। गाइस फोन इतना हीट हो गया है कि रिकॉर्ड करने के लायक भी नहीं बच रहा है। नोटिफिकेशन आ गया कि पहले आपका फोन कूल डाउन हो जाए, उसके बाद ही रिकॉर्ड हो सकती है। ये शाइनर में मिलावट कर दी है यहाँ पे, मतलब उसको और परफेक्ट बनाने के लिए चीज़ें मटेरियल मिलाया जाता है ताकि और भी ज़्यादा शाइन करे, है ना? यही बात है ना। महिंद्रा, महिंद्रा का स्पेशल है ये। ₹300 आप यही आए, क्योंकि मैं तो यही आता हूँ अपनी गाड़ी दिलवाने। लग रहा है शाइनर बिल्कुल, गाड़ी को एकदम चमका देंगे, शाइन मारती हुई मिलेगी गाड़ी। अरे वाह, ये तो चमका दी। तो गाइस मेरे इनसे बात हो गई है, ये कह रहे हैं कि अंदर की जो सीट्स है वगैरह उसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट जम चुकी है, तो ये एक केमिकल आता है, केमिकल से साफ़ करेंगे। पूरी गाड़ी साफ़ करने के ₹1000 लेंगे, जिसमें आपकी गाड़ी बिल्कुल न्यू जैसी शोरूम जैसी चमकती हुई मिलेगी उसके बाद। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं आपको गाड़ी दे जाऊँगा, आप मेरी क्लीन कर देना गाड़ी एकदम। काफ़ी टाइम हो गया इसके अंदर से क्लीनिंग पूरी नहीं करवाई है, तो अब फुल क्लीनिंग हो जाएगी जो मैं इनसे करवा लूँगा नेक्स्ट वीक में। तो गाइस गाड़ी को उतारते हैं नीचे रैंप से। कार वॉश करवा ली थी, उसके बाद भाई का कॉल आया कि हमारे दीपक भी आया, वो इलेक्ट्रिशियन है, तो वो आ रहे हैं। वो LED जो हमारी टेबल पे रखी है उसको वॉल पे लगाएंगे, तो पहले तू आ जा, क्योंकि फिर अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो फिर तू लड़ेगा। इसलिए मैं पहले यहाँ पे घर पे आ गया, तो एक बार दीपक भाई का वेट कर लेते हैं, वो आ रहे हैं, फिर LED लगवा लेते हैं एक बार। पहले करा देते हैं, हमारे दीपक भैया आ गए हैं LED फिट करने के लिए दीवार पे। जो मान ले तो थोड़ा रूम और अच्छा लगने लग जाएगा। कर दो छेकला सारा।
इंटीरियर बदल दिया गया है भाई। मैं छेद भरने का काम दीपक भाई का, छेद भरने का काम नरेंद्र भाई का है। स्विच पूरा दिखना चाहिए, स्विच पूरा लगना चाहिए बस। मेरा है देख लो, मेरा कमरा है तो बेकार लगानी है। तो नीचे वाले जो स्टैंड थे वो खोल रहे हैं अब, क्योंकि अब दीवार वाला स्टैंड लग चुका है, अब ये दीवार पे लग जाएगी। नहीं फाइनली एलईडी फिट हो चुकी है, एकदम परफेक्ट की है ना, बिल्कुल एकदम लेयर में, एकदम बढ़िया, एकदम मजा आ गया, बहुत बिल्कुल चलाओ दड़ाओ मजे का। तो भाई जैसे कि देख पा रहे हैं एलईडी लग चुकी है, वॉल पे थोड़ी सी छोटी लग रही है पर कोई बात नहीं, गरीब आदमी आप जो है उसी से काम चलाएंगे। गाइस ऑलरेडी रात होने वाली थी तभी अचानक बाहर से बहुत जोर से आवाज़ आने लगी थी, मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया है, मैं फटाफट भाग के बाहर गया तो मैंने देखा कि ऐसा सीन क्रिएट हुआ है कि आप देख के खुद ही हैरान हो जाओगे, मैं दिखाता हूँ आपको। अरे बाप रे ये क्या हो गया, आग कैसे लगी है वो स्कूटी में, स्कूटी है ना ये, स्कूटी में आग लगी गई, पता नहीं कैसे हुआ कब हुआ कुछ पता नहीं चला, एकदम से मैं भाग के आया तब देखा। अचानक से ही एकदम से स्कूटी में आग लग गई, बता रहे हैं लोग कि टैंक में पेट्रोल टैंक में कोई स्पार्क हो गया था, उसके कारण टैंक ने आग पकड़ ली, दैट्स व्हाई पूरी स्कूटी में आग लग गई है। बैंड बहुत ही बुरे तरीके से बैंड बजी है गाइस इसकी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो जैसा कि आपने देखा कि पेट्रोल टैंक में एक छोटी सी चिंगारी की वजह से इतनी बड़ी आग लग सकती है, तो आप भी ध्यान से चलाएं, कोई हस्बैंड वाइफ थे दोनों, तो क्या हुआ कि दोनों के दोनों स्कूटी से कूद गए, खैर उनको कुछ लगा नहीं पर वो बच गए, पर स्कूटी उनकी बैंड बच चुकी है। बेचारे पहले ही गरीब थे और गरीब के कहते हैं ना गरीब पे एक और लात पड़ी है, पर कोई बात नहीं, अब देखो ऊपर वाले ने उनको बख्शा है, उनको जान बचाई है, वही बहुत है। तो ये ब्लॉग में यही एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके बाय।